हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी 147 आज हम रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करने जा रहे हैं क्योंकि यहां से रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उनमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा तो आने वाले एग्जामों के लिए यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों को सबसे पहले बात करते हैं हम महत्वपूर्ण अधिनियम की तो सबसे पहला अधिनियम है आर जिसे कहते हैं राइट टू तो एजुकेशन और राइट टू तो एजुकेशन यह अधिनियम आया था सन 2009 के अंदर और एक है आर जिसे कहते हैं राइट टू तो इंफॉर्मेशन और यह जो राइट टू तो इंफॉर्मेशन है यह आया था सन 2005 के अंदर तो याद रखना है एक तो है राइट टू तो एजुकेशन जो था आया था 2009 में और राइट टू तो इंफॉर्मेशन यह आया था सन 2005 के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह उन्नीस के अंदर आया और एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंदर e और जो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है सन उन्नीस के अंदर तो याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह तो आया था उन्नीस में लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है सन उन्नीस में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह आया था सन उन्नीस के अंदर लेकिन वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू है तो याद रखना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह आया तो उन्नीस के अंदर था लेकिन वर्तमान के लिए पूछ ले कि वर्तमान में कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू तो है तो यह है दो का तो महत्वपूर्ण अधिनियम में आपको याद रखना है एक तो है राइट टू एजुकेशन दो में राइट टू तो इंफॉर्मेशन सन दो में पर्यावरण संरक्षण यह अधिनियम आया था उन्नीस में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था उन्नीस में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है सन उन्नीस में और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यह आया था सन उन्नीस में लेकिन वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दो लागू है नेक्स्ट है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसके स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि यंग हिल्टन आयोग का संबंध किससे या फिर आरबीआई की स्थापना किससे होती है तो यह होती है यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर आरबीआई के लिए अधिनियम आया था सन 1934 का अधिनियम और सन 1934 के अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना होती है एक अप्रैल 1935 को तो एक अप्रैल 1935 को होती है आरबीआई की स्थापना आरबीआई का जो मुख्यालय यह है मुंबई के अंदर और इसके प्रथम गवर्नर यह थे ऑसबॉर्न स्मिथ तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले प्रथम गवर्नर कौन से तो यह थे ऑस्बॉर्न स्मिथ जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर यह थे वर्तमान में गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास जो कि है पच्चीसवें नंबर के गवर्नर जबकि इससे पहले थे चौबीसवें नंबर के गवर्नर और उनका नाम था उर्जित पटेल तो याद रखना है वर्तमान गवर्नर तो है शक्ति जो कि पच्चीसवें नंबर के गवर्नर है जबकि चौबीसवे गवर्नर यह उर्जित पटेल आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है सन उन्नीस को तो आरबीआई से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है कि इसकी स्थापना होती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1934 का अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को मुख्यालय है मुंबई के अंदर प्रथम गवर्नर ऑसबॉन स्मिथ प्रथम भारतीय गवर्नर यह शेडी देशमुख वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास और 24वें गवर्नर इससे पहले थे उर्जित पटेल 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है नेक्स्ट है संविधान की कुछ महत्वपूर्ण बैठकें तो 24 जुलाई 1947 तो 24 जून 1947 इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया तो याद रखना है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को जबकि राष्ट्रीय गान और जो राष्ट्रीय गीत है इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान ये प्रथम बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जबकि जो राष्ट्रीय गीत है यह पहली बार गाया गया था सन 1896 में, में कलकत्ता अधिवेशन में तो राष्ट्रीय गान यह तो गाया गया था 1911 में जबकि राष्ट्रीय गीत यह गाया गया सन 1896 में संविधान सभा का प्रथम बार विचार आया था एम एन रॉय का एम एन रॉय इनका विचार था संविधान सभा का प्रथम बार विचार संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर सन 1946 को और इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे सचिदानंद सिन्हा जबकि संविधान सभा की द्वितीय बैठक यह हुई थी 11 दिसंबर सन 1946 को और इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेक्स्ट नागरिकता यह संविधान के भाग दो के अंदर है और नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है पांच से लेके ग्यारह तक भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है तो याद रखना है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और नागरिकता अधिनियम यह था 1955 का अधिनियम नागरिकता में संशोधन किया गया था 2019 में और इसे लागू किया गया था 10 जनवरी सन 2020 में नागरिकता में जो संशोधन 2019 में किया गया यह बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान इनके निवासियों के लिए किया गया तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले संशोधन दो हजार 2019 किसके लिए किया गया तो यह किया गया था बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के निवासियों है, तो। Next है पहला संविधान संशोधन ये हुआ था उन्नीस में और पहले संविधान संशोधन उन्नीस के तहत ही नवी अनुसूची जोड़ी गई थी जो संबंधित थी भूमि सुधार से तो नवी अनुसूची ये संबंधित है भूमि सुधार से मूल संविधान में आठ अनुसूचिया थी लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या है बारह बयालीसवा संविधान संशोधन जो कि उन्नीस में हुआ था और इसी को कहते हैं मिनी संविधान एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मिनी संविधान किसे कहते हैं तो यह कहते हैं बयालीसवे संविधान संशोधन को और बयालीसवे संविधान संशोधन इसी के द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें पंथ अखंडता और समाजवाद ये तीन शब्द जोड़ेंगे यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान की प्रस्तावना में कौन से तीन शब्द जोड़े गए तो यह जोड़े गए थे पंथ निरपेक्ष अखंडता और समाजवाद और ये जोड़े गए थे बयालीस पे संविधान संशोधन उन्नीस में और इसी को कहते हैं मिनी संविधान बयालीस में संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तो मौलिक कर्तव्य जो कि आर्टिकल इक्यावन ए के अंदर है ये जोड़े गए थे बयालीसवे संविधान संशोधन के द्वारा चौबालीसवा संविधान संशोधन जो कि 1978 में होता है और इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया यह किया गया था चौबालीसवे संविधान संशोधन 1978 में और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है यह आर्टिकल 301 के अंदर है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि वर्तमान के अंदर जो संपत्ति का अधिकार है ये कौन से आर्टिकल के अंदर है तो ये हो जाएगा आर्टिकल 301 के अंदर नेक्स्ट है इकसठवा संविधान संशोधन जो 1980 के अंदर होता है इसमें वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई नेक्स्ट है बावनवा संविधान संशोधन जो उन्नीस के अंदर हुआ और ये दल बदल से संबंधित है तो दल बदल से संबंधित है बावनवा संविधान संशोधन और इसके तहत दसवीं अनुसूची जोड़ी गई छियासीवा संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया जो संबंधित था शिक्षा से संबंधित अधिकार तो शिक्षा संबंधित अधिकार जोड़े गए थे छियासीवे संविधान संशोधन 2002 में तेहत्तरवा संविधान संशोधन यह उन्नीस में जोड़ा गया था पंचायती राज से संबंधित और पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है ग्यारह तो अनुसूची 11 जोड़ी गई थी जो कि संबंधित है पंचायती राज से और ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन में 101वां संविधान संशोधन यह संबंधित है जीएसटी से तो एक बार वापस से देख लेते हैं पहला संविधान संशोधन यह 1951 में हुआ था और इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई मूल संविधान में 8 अनुसूची थी लेकिन वर्तमान में 11 बयालीसवे संविधान संशोधन उन्नीस में जोड़ा गया इसे मिनी संविधान भी कहते हैं और इसके द्वारा पंथ निरपेक्ष अखंडता और समाजवाद यह शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में बयालीसवे संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए आर्टिकल इक्यावन ए में चौमालीसवा संविधान संशोधन इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से बाहर किया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल तीन ए में इकसठवें संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई बावनवा संविधान संशोधन जो कि दल बदल से संबंधित है और दल बदल से संबंधित सूची दसवीं अनुसूची छियासीवा संविधान संशोधन इसके द्वारा शिक्षा संबंधी अधिकार जोड़े गए तेतरवा संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज से संबंधित अनुसूची अनुसूची नंबर ग्यारह एक सौ संविधान संशोधन है जीएसटी से संबंधित और जीएसटी इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया जीएसटी सूची पर लगने वाला कर और असम पहला राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया गया संविधान में अब तक टोटल 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं और संविधान संशोधन हेतु आर्टिकल है तीन एग्जाम में एक यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान संशोधन हेतु आर्टिकल कौन सा है तो हो जाएगा तीन नेक्स्ट है प्रमुख परमाणु संयंत्र तो पहला परमाणु संयंत्र यह है अपसर जो कि ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया तारापुरा यह भी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है केगा है कर्नाटक के अंदर नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है काकरापार यह गुजरात के अंदर स्थित है और एक है कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है और जो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है यह सबसे नवीनतम परमाणु संयंत्र है जिसको रूस की सहायता से स्थापित किया गया और एक है कल्पकम परमाणु संयंत्र यह भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है एक बार जितने भी परमाणु संयंत्र उनको वापस से कवर कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं अप्सरा परमाणु संयंत्र की जो कि ट्रांबे महाराष्ट्र के अंदर है और जो ये अप्सरा परमाणु संयंत्र है यह भारत का पहला परमाणु है तारापुरा यह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है केगा है कर्नाटक में नरोरा उत्तर प्रदेश काकरापार गुजरात कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों स्थित है तमिलनाडु के अंदर जबकि इन दोनों में से सबसे नवीनतम कौन सा है यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि तमिलनाडु के अंदर कौन सा सबसे नवीनतम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया तो ये किया गया है कुडनकुलम नेक्स्ट है प्रमुख खाने जैसे जादू घोड़ा यहाँ पे यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं और जादूगोड़ा खान झारखंड के अंदर स्थित है मांड्या ये कर्नाटक के अंदर स्थित है और यहाँ पे लीथियम के भंडार पाए जाते हैं गोलकुंडा खान आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है और जो ये गोलकुंडा खान है यहीं पे मिला था कोहिनूर हीरा पन्ना यह मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है तो याद रखना है जादू घोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में मांड्या लिथियम के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक के अंदर गोलकुंडा यहाँ कोहिनूर हीरा मिला था और ये आंध्र प्रदेश में है। पन्ना है मध्य प्रदेश में और ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है नेक्स्ट है प्रमुख ग्रंथिया जिसमें सबसे पहले बात करते की, जो कि कान में पाई जाती है और ये सबसे छोटी हड्डी है तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कि कान में पाई जाती है इसका नाम है स्टेपीज मैंडिवल जो कि जबड़े में पाई जाती है क्लेविकल इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्यूटी बोन कौन सी हड्डी होती है तो ये होती है क्लेविकल फीमर ये जांग में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ग्रंथि जिसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि यानी जो अग्न ग्रंथि है यह है एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है और इसी से इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ इंसुलिन कि हार्मोन किससे स्त्रावित होता है तो ये होता है अग्नाशय ग्रंथि से पीनियल ग्रंथि इससे कहते हैं मानव शरीर की जैविक गड़ी तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जैविक गड़ी किसे कहते हैं तो ये कहते हैं पीनियल ग्रंथि को हाइपोथेलेमस इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि ये कहते हैं हाइपोथेलेमस को और जो हाइपोथेलेमस है ये इमोशन यानी प्यार घृणा क्रोध आदि इसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं हाइपोथेलेमस मस्तिष्क से जुड़ी रहती है जो कि पिटियोट्री ग्रंथ यानी जो पीयूष ग्रंथि है उसको नियंत्रित करती है तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है हाइपोथेलेमस नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि और जो पीयूष ग्रंथि है ये खोपड़ी के अंदर पाई जाती है और यह सबसे छोटी ग्रंथि है और इसे ही कहते हैं मास्टर ग्रंथि तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो यह पीयूष ग्रंथि और यह खोपड़ी में पाई जाती है ग्रंथि से ही वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है नेक्स्ट है और जो ग्रंथि है, है और इससे हार्मोन हारमोन होता है तो थाइराइड ग्रंथि जो कि गले में पाई जाती है और इसी से होता है थाइरोक्सीन हार्मोन स्त्रावित थाराइड ग्रंथि जो कि सबसे बड़ी अंत ग्रंथि है यानी जो गले में पाई जाती है थाइराइड ग्रंथि यह सबसे बड़ी ग्रंथि है नेक्स्ट ग्रंथि और जो ग्रंथि है यह हृदय के पास में पाई जाती है और जो मनुष्य में बुढ़ापा यह ग्रंथि के के लुप्त होने कारण ही आता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण आता, आता है तो यह आता है थामस ग्रंथि के कारण एड्रिनल ग्रंथि जिसे कहते हैं अधिवक्रक ग्रंथि और यह वक्रक यानी जो गुर्दा है उसके ऊपर स्थित होती है इसका मुख्य कार्य है तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना और जो एड्रिनल ग्रंथि है इसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किससे स्त्रावित होता है तो ये होता है एड्रिनल ग्रंथि से और जो एड्रीनल ग्रंथि है इसके द्वारा हाई स्त्रावित हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं तो जो एट्रीनल ग्रंथि है इसके द्वारा एक हार्मोन हारमोनित होता है एड्रीनल हार्मोन इसे को कहते हैं जीवन रक्षक हारमोन एक बार ये जितनी भी ग्रंथी है इनको वापस से कवर कर लेते हैं फटा फटाफट स्टेपिज कान में पाई जाती है और यह सबसे छोटी हड्डी है मैंवल यह जबड़े के अंदर पाई जाती है हड्डी क्लेविकल इसे कहते हैं ब्यूटी बोन फीमर जो कि जांग में पाई जाती है और यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है अग्नाशय ग्रंथि जो कि एक मिश्रित ग्रंथि है और इंसुलिन हार्मोन इसी से स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं हाइपोथैलेमस इमोशन जैसे कि प्यार घृणा क्रोध आदि इसी से नियंत्रित होते हैं हाइपोथैलेमस मस्तिष्क से जुड़ी रहती है और यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि जो कि खोपड़ी में पाई जाती है और यह सबसे छोटी ग्रंथि है तो सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्थावित होता है था ग्रंथि जो कि गले में पाई जाती है और यह था हार्मोन स्त्रावित करती है था ग्रंथि सबसे बड़ी अंत स्त्रावी ग्रंथि है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो यह तो हो जाएगी पीयूष ग्रंथि लेकिन क्वेश्चन पूछिए कि सबसे बड़ी अंत स्त्राविक ग्रंथि कौन सी है तो यह थायड ग्रंथि थाइमस ग्रंथि और जो ये थाइमस ग्रंथि है ये हृदय के पास में पाई जाती है और मनुष्य में बुढ़ापा इस थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण ही आता है एड्रिनल ग्रंथि जिसे ग्रंथि भी कहते हैं और इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन स्त्रावित करना एड्रिनल ग्रंथि से ही फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन स्त्रावित होता है और एड्रिनल ग्रंथि इसके द्वारा एक हार्मोन स्त्रावित होता है एड्रीनलिन हार्मोन इसी को कहते हैं जीवन रक्षक हार्मोन तो यह था आज का हमारा रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक का इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि रेलवे की जितने भी एग्जाम है उन सभी में यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए साथ ही हमारे चैनल स्टडी वन फोर सेवन को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारा डेली स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है जिसके अभी तक हमने पार्ट बीस तक को कवर कर लिया है जो कि रेलवे के लिए और जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप वो नहीं देखते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है आप उसे वहां से देख सकते हैं